दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाइटर के 5 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और 6ठे दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली फाइटर, जो कि वॉर और पठान जैसे फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, वहीं इस फिल्म में आपको ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर जैसे कार्ड देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके कलेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट डे के अगर इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो काफ़ी शानदार रहा था और 22 करोड़ 50 लाख की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन यानी कि 26 जनवरी का कलेक्शन देखा जाए तो 39 करोड़ 50 लाख की कमाई की थी। वहीं तीसरे दिन यानी कि सैटरडे का कलेक्शन 27 करोड़ 50 लाख रहा था। वहीं बात करते हैं संडे यानी कि 4थे दिन का कलेक्शन तो 29 करोड़ की कमाई कर रही है। वहीं अगर बात करते हैं 5वें दिन का कलेक्शन यानी कि मंडे का, जिसमें यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है क्योंकि वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका है, इस कारण से मात्र 8 करोड़ के आसपास की कमाई कर रही है। ये अर्ली एस्टिमेट है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। टोटल यहाँ पे 5 दिनों में इंडिया से कलेक्शन हो जाता है 126 करोड़ 50 लाख, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 215 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो देखना होगा कि 250 करोड़ के बजट में फिल्म बनी है तो आगे चल के ये कलेक्शन कितना कर पाती है, वो हिट होती है या फ्लॉप होती है, ये भी देखने लायक होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके 6ठे दिन के एडवांस बुकिंग के बारे में। तो अभी तक देखा जाए तो 1 लाख से भी ज़्यादा जो कि टिकट है वो सोल्ड कर चुकी है, जिससे कि एडवांस बुकिंग कलेक्शन हो जाता है 2 करोड़। तो 2 करोड़ के आसपास क्या कल एडवांस बुकिंग से यहाँ पर शुरुआत करने वाली है। तो अगर बात करते हैं कि 6ठे दिन का कलेक्शन कितना होने वाला है, तो प्रेडिक्शन अगर करें तो 6ठे दिन का तो करीब करीब 10 से 12 करोड़ के आसपास यहाँ पर कलेक्शन होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि फाइटर अपने 6ठे दिन कितना कलेक्शन करने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के अपडेट के साथ। धन्यवाद।